हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं टेक फॉर फ्रंट। और आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट का। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस टैब को काफ़ी दिन यूज़ करके देख लिया। अब मैं इसको आपका फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ, क्या ये टैब बेस्ट टैबलेट है अंडर 30,000 या नहीं। और अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और गेमिंग रिव्यू देखना हो तो मैंने उसका दोनों वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में बात करते हैं। इस टैब का डिजाइन एंड बिल्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, फुल एल्युमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन है और सामने आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कोई टेम्पर्ड ग्लास आप लगवा लें इसके ऊपर। और वेट की बात करें तो 460 ग्राम का है। और पूरा जो आपका ये टैब है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक फील होता है। ये आपको किसी भी एंगल से नहीं लगा कि आप कोई बजट टैबलेट यूज कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। ऐसे लगता है कि 50-60,000 का ये टैबलेट है। तो डिजाइन एंड बिल्ड में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। आपको 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स के पोर्ट्स दिए हुए हैं, दो माइक है इसके अंदर। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड इसका बहुत ही बड़ा प्रो है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके बेजल भी काफी ज्यादा पतले हैं तो ये काफी ज्यादा मॉडर्न लुक भी देता है इसको ओवरऑल। तो डिजाइन एंड बिल्ड में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। तो दोस्तों टैब के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है इसका, 10.4 इंच का फुल HD पैनल है। लेकिन ये सुपर एमोलेड नहीं है तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत लग सकता है अगर आप कोई सुपर एमोलेड डिवाइस से अगर इस पे आते हैं तो। लेकिन अगर किसी ने सुपर एमोलेड डिवाइस नहीं यूज करा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगा। डिस्प्ले शार्प है और व्यूइंग एंगल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और बेजल्स भी काफी ज्यादा कम है, इसलिए काफी मॉडर्न भी लगता है। लेकिन बस एक कमी मेरे को इसके डिस्प्ले में ये लगी कि थोड़ा ये रिफ्लेक्टिव ज्यादा है, बस मुझे थोड़ा वो एक हल्की सी कमी लगी। अगर उस चीज को थोड़ा नजरअंदाज कर दे तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। और ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको बाहर भी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है। लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पहले मेरे को शायद लग रहा था बाय करने से पहले कि शायद डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 10.4 इंच का डिस्प्ले है, एमोलेड नहीं है, फुल HD सिर्फ रेजोल्यूशन है, तो शायद मुझे दिक्कत होगा। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एक में वाइड वाइन एल्बम सपोर्टेड है, तो आप कोई भी मीडिया कंज्यूम करते हैं या कोई कंटेंट देखते हैं अमेजन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आती है इसमें। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इस टैब का, कोई भी कमी आपको नहीं आएगी इसमें। अब बात करते हैं टैब के परफॉर्मेंस के बारे में। मेरे पास जो वेरिएंट है वो सिर्फ वाईफाई वेरिएंट है। अगर आपको LTE वेरिएंट लेना है तो वो आपको 4,000 ज्यादा का मिलेगा। मेरे पास जो है वो मैंने 28 का लिया था, प्लस मेरे को 2,000 का कैशबैक मिल गया था HDFC के बैंक से, तो मेरे को ये एक्चुअली में 26,000 का पड़ा है। और मैं बेस्ट पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सिम वाला वेरिएंट चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पे सिम आपको नहीं यूज करना है तो आप सिर्फ वाईफाई वाला वेरिएंट ले, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो परफॉर्मेंस पे आते हैं, इसमें आपको एक्सिनस 911 मिलता है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और आप पे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, तो स्टोरेज का कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगा, काफी दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि ये सारे एप्स को मेमोरी में रखता है। ये थोड़ी नेगेटिव बात भी इसलिए जाती है क्योंकि काफी ज्यादा एप्स मेमोरी में रख लेता है, तो मैंने ये चीज नोटिस करा था कि जैसे मैंने एक दिन पहले जो एप्स सारे चला रखे थे, मैंने नेक्स्ट डे टैब ओपन करा तो वो थोड़ा स्लो फील हो रहा था, तो वो इसलिए था क्योंकि सारे एप्स इसके मेमोरी में था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्लियर कर दिया तो फिर सारा परफॉर्मेंस जो था एकदम नॉर्मल फिर वो चल रहा था। तो मैं यही बोलूंगा अगर आप सारे ऐप यूज कर ले तो मेरे हिसाब से आप एक बार रैम क्लियर कर ले ताकि परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा बना रहे। और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन इसने फिर भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा। आप इसका गेमिंग रिव्यू देख सकते हैं, आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो 4GB रैम सफिशियंट है मल्टीटास्किंग के लिए, 64GB स्टोरेज भी बढ़िया है और आपको माइक्रो SD का भी सपोर्ट मिलता है। तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी खास इशू नहीं आया। वैसे भी अगर आप टैब लेते हैं वो तो ज्यादातर वर्क से रिलेटेड आपको काम करना होता है या स्टडीज करनी होती है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सही टैबलेट है ये। और इस प्राइस में आपको एंड्रॉइड में इससे ज्यादा पावरफुल टैबलेट अभी तक तो नहीं ही अवेलेबल है। ज्यादातर मीडिया टेक के प्रोसेसर है जो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उनसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर उल्टा सैमसंग का एक्सिनस 9611 है। परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये भी इसका कॉन में नहीं आएगा। अब बात करते हैं टैब के बैटरी के बारे में। बैटरी इसमें आपको 7040 mAh का मिल जाता है और बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरा 1.5 दिन आराम से ये चला है, मैं इसको काफी ज्यादा यूज करा है, गेम खेलता था मैं इस पे, काफी ज्यादा कंटेंट इस पे देखा है और फिर भी ये इजिली आपका एक दिन तो चलना ही चलना है, आप कितने भी हैवी यूजर होंगे तो। बस एक मेरे को थोड़ी सी ये कमी लगी, वो है इसकी चार्जिंग में। जो इसका चार्जर जो आपको इनबिल्ट बॉक्स में दिया हुआ है वो काफी ज्यादा स्लो चार्जर है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगर आप 18W का कोई चार्जर हो तो आप उससे करें, या 15W का हो तो उससे ये जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पे फास्ट चार्जर हो तो आप फास्ट चार्जर इस्तेमाल करें। तो ओवरऑल बैटरी भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं टैब के कैमरा के बारे में। इसमें आपको 8 MP का बैक कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में जो है वो है 5 MP का कैमरा। कैमरा क्वालिटी इसका अच्छा है। अगर आप फ्रंट से आपको काफी वीडियो कॉल्स लेने हैं या आप बहुत ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी। मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूँ कि वीडियो का कैसा है और आप फिर बताइए कि आपको इसका क्वालिटी कैसा लगा। वैसे मैक्सिमम आप 1080p तक इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बैक कैमरा भी ठीक ठाक है, वैसे तो कोई फोटोग्राफी से करने नहीं वाला, लेकिन मैं आपको कुछ इसके सैंपल शॉट्स दिखा देता हूँ कि कैसे हैं इसका बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा।
तो आपने बैक कैमरा के सैंपल्स देख लिए, आपको पता चल गया होगा। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको कोई फोटो या डॉक्यूमेंट क्लिक करके भेजना हो तो वो आपका काम ये कर देगा। तो कैमरा भी इसका ओके है मीटिंग्स के लिए और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जुलाई के सिक्योरिटी पैच पे चल रहा है और एंड्रॉइड 10 पे है ये अभी, तो सॉफ्टवेयर भी आपका इसका लगभग अप टू डेट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा फीचर रिच है वन यूआई। स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्पीकर्स बहुत ही ज्यादा ऑसम है इसके। AKG के ट्यून्ड है ये और मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मेरे लैपटॉप से ज्यादा अच्छा ये साउंड करते हैं, मैं सच में आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी इस पे कंटेंट देखते हैं तो आपका बिल्कुल ही एक्सपीरियंस बदल देते हैं। इसमें आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं और दोनों का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है ओवरऑल। तो जैसा कि आपने सुना, साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और रिच ऑडियो आता है, बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा इसका ऑडियो आउटपुट जो है। और ईयरफोन के थ्रू भी इसका आउटपुट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो ओवरऑल आपको ऑडियो में कोई भी इशू नहीं आएगा इस टाइप से। और ये कवर जो मैंने अमेजन से परचेज करा था 900 का था, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कवर है ये इस रेंज में। मैं आपको इसके बेस्ट वैल्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। लेदर फिनिश पे ये कवर आता है, ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका टैब ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाता है और इसमें आपको एस पेन भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये उसने वो जगह छोड़ रखा है जिस वजह से आपका एस पेन भी अपने आप वापस से अटैच हो जाता है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरऑल ये कवर भी काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसे काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, काफी ज्यादा स्टडी फील होता है और काफी सेफ फील होता है इसके साथ मेरे को यूज करने में। तो मैंने सोचा इस कवर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो भी लोग टैब लेंगे तो उनको कवर की खास जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको टिल्ट करके रखने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ओवरऑल ये कवर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है 1000 के अंडर, अगर आपको कवर लेना हो तो मैंने उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है अंडर 30,000, क्योंकि जो ओवरऑल पैकेज जो सैमसंग दे रहा है मेरे हिसाब से वो आपको कोई भी ब्रांड आपको वो चीज नहीं दे रहा है। आपको एस पेन मिल रहा है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल रहा है, बैटरी लाइफ इतनी अच्छी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, फुल HD डिस्प्ले है, इतने अच्छे स्पीकर्स हैं, सैमसंग का पूरा कस्टमर सर्विस है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है 30,000 के अंडर। और जिसका प्राइस है मेरे हिसाब से सही है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि आपको 28,000 का है वाईफाई वेरियंट, आपको 26,000 का मिल जाता है सैमसंग की साइट पे, क्योंकि उस पर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते ही रहते हैं। तो मैं आपको बेस्ट वाली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट लेना हो तो वो आपको 31,999 का मिल जाएगा। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 30,000 के अंडर है तो आप इस टैब को जरूर देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं टेक फॉर फ्रंट। थैंक यू।